दोस्तों, आपने चाइना के अजीबोगरीब डिशेज के बारे में तो सुना ही होगा। चिड़ियों के घोंसलों से लेकर उबले हुए सांपों से बना सूप या फिर हजारों साल पुराने अंडे, ये सब चीजें आपको क्या लगता है? ये सब चीज हम इंसानों के लिए भले ही ऑकवर्ड हो, लेकिन चाइना के लिए नहीं, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो एक जिंदा बंदर के दिमाग को अपनी फेवरेट डिश के रूप में खाता है। और क्या आपको पता है, इस दुनिया में कुछ ऐसे देश है जिनके पास अपनी कोई भी आर्मी नहीं होती है। और क्या आपको ये पता है कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के लोगों का कलर नीला ही क्यों रखा? दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फैक्ट नंबर 15 से शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो इंडियन नोट देख रहे हो, ये साल 1917 का है, जिसमें आपको दिख रहा है कि उस समय एक रुपए की कीमत एक यूएस डॉलर से भी ज्यादा थी, मतलब इंडियन करेंसी की कीमत यूएस करेंसी से भी ज्यादा थी। और ये इमेज कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। और एक इन्फॉर्मेशन जिसमें बताया गया कि साल 1947 के समय जब इंडिया आजाद हुआ था, उस समय एक यूएस डॉलर और एक वन रुपी नोट की वैल्यू सेम थी। इस तरह के फैक्ट्स आपको बहुत से यूट्यूब चैनल ने बताए होंगे, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बताता। गूगल पर रिसर्च करने से आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सही नहीं थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि साल 1947 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 4 रुपए के आसपास थी, और ये रेट लगभग साल 1965 तक सेम ही थी। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक इंडियन रुपीज की वैल्यू गिरती ही गई, और आज साल 2020 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 75 रुपए के आसपास हो चुकी है। फैक्ट नंबर 14, आपने मुगले आजम मूवी का नाम तो जरूर सुना होगा। तो क्या आपको इस मूवी के बारे में ये फैक्ट पता है कि इस मूवी को शूट होने में 18 सालों का समय लगा था, और जब ये फिल्म शूट हो रही थी तब फिल्म के हर एक सीन को 3 भाषाओं में शूट किया गया था। इस मूवी को हिंदी, तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज में शूट किया गया था। शायद इसी के चलते इस मूवी को बनने में 18 सालों का समय लगा होगा। फैक्ट नंबर 13, आजकल एड्स तो आप हर जगह देखते ही होंगे। आप जब भी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो आप एड्स जरूर देखते होंगे। आपने एड्स ज्यादा से ज्यादा 5 से 15 सेकंड तक ही देखे होंगे, इससे ज्यादा लंबे एड तो होते नहीं। लेकिन अगर इस दुनिया के सबसे लंबे ड्यूरेशन के एड्स की बात करें, तो आपके मुताबिक वो कितना लंबा हो सकता है? आप शायद बोलोगे कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट तक, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये एड 4 या 5 मिनट का नहीं बल्कि 14 घंटे का एड था। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये एड था ओल्ड स्पाइस कंपनी का, जिसका एडवर्टाइजमेंट ब्राजील में 8 दिसंबर 2018 को सुबह 6 बजे शुरू हुआ और खत्म हुआ रात के 8 बजे। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस कंट्री में है? शायद आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर पाकिस्तान होगा, लेकिन आज के समय सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है, बल्कि फैक्ट तो ये है कि उसी देश की करेंसी में भगवान श्री गणेश की तस्वीर है। इसी के साथ एक और बोनस फैक्ट, इंडोनेशिया के साथ साथ पोलैंड की करेंसी में श्री राम की तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि आज के समय एक ऐसी मूवी बन रही है जिसे आप चाके भी देख नहीं सकते, क्योंकि उस मूवी की रिलीज डेट है 8 नवंबर 2115, मतलब आज से लगभग 95 इयर्स बाद ही ये मूवी रिलीज होगी। इसीलिए इस मूवी का टाइटल है 100 इयर्स द मूवी यू विल नेवर सी, और इस मूवी का कंटेंट भी सीक्रेट रखा गया है, जिसका खुलासा आज से लगभग 100 साल बाद ही होने वाला है, और हम में से 99% लोग इस मूवी को देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप गूगल पर जाकर इस मूवी के बारे में पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 10, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो कुछ कलर्स को ठीक से देख नहीं पाते। फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंड थे, मतलब उनको ये दोनों कलर ठीक से नहीं दिखते थे, इसलिए उन्होंने फेसबुक का कलर ब्लू रखा था। इसलिए आप फेसबुक को हमेशा ब्लू ही देखते हो, क्योंकि वही एक कलर है जो इन्हें सबसे अच्छा दिखता है।
फैक्ट नंबर 9, पिग्मी मार्मोसेट नाम की एक बंदर की प्रजाति है जो दुनिया के सबसे छोटे बंदर की प्रजाति है और ये इतना छोटा है कि ये आपकी एक उंगली पर ही समा जाएगा और इसका वेट सिर्फ 100 ग्राम है बस। फैक्ट नंबर 8, अगर आप किसी बड़ी बहस से बचना चाहते हो तो बस आपको ये 4 वर्ड्स को बोलना है, यस यू आर राइट बट, और उसके बाद अपनी बात को कहना। इससे आपका कॉम्पिटिटर आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और इसके मानने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, आपने देखा होगा कि अल्कोहल कैसे एक अच्छी हेल्दी फैमिली से खुशियाँ छीन लेता है, ये सब जानते हैं, लेकिन एक अल्कोहलिक ब्रेन कैसा होता है ये क्या आप जानते हो? तो जरा इस इमेज को देखो, लेफ्ट साइड में नॉर्मल ब्रेन का MRI स्कैन है और राइट साइड में अल्कोहलिक ब्रेन का। आप साफ साफ राइट साइड के अल्कोहलिक ब्रेन के ह्यूज ब्रेन डैमेज को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत से फूड खाए होंगे, कुछ फूड आपको स्वीट लगते होंगे तो कुछ सैल्टी। सभी फूड्स का टेस्ट एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है और जो मिर्च होती है वो टेस्ट में स्पाइसी होती है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा, एक स्टडी में पता चला है कि असल में स्पाइसी जैसा कोई टेस्ट होता ही नहीं है, ये तो बस इसको खाने के बाद हुए एक पेन का सेंसेशन होता है। फैक्ट नंबर 5, स्टीव रोथस्टेन नाम के इस व्यक्ति ने साल 1987 में एक अमेरिकन एयरलाइन कंपनी को 69 लाख रुपए देकर एक गोल्डन टिकट खरीदा था जो कि एक पास की तरह होता है, जिससे कि वो आजीवन उस एयरलाइन में सफ़र कर सकते थे और कंपनी ने बड़े ही आराम से पास बना भी दिया। उन्होंने सोचा होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार एयरलाइन में सफ़र करेगा, लेकिन साल 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से भी ज़्यादा उड़ानें भर डाली और इससे कंपनी को 1,42,00,000,000 रुपये का नुकसान हुआ, जिसके चलते साल 2008 में कंपनी को हार मानकर उस आदमी के पास को रद्द करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, फेसबुक से जुड़ी एक बहुत ही औसम वेबसाइट है। अगर आप गूगल पर जाकर thefacesoffacebook.com वेबसाइट को ओपन करोगे तो उसमें आप दुनिया के सारे फेसबुक यूजर्स के फोटोज को एक साथ एक ही फ्रेम में देख सकते हो और जूम करने पर वो पर्टी कूलर प्रोफाइल पिक्चर भी आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया के अंदर करीब 15 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास अपनी कोई भी आर्म फोर्सेस नहीं है। हर कंट्री के पास अपनी एक मिलिट्री फोर्स होती है, पर ऐसी भी कई कंट्रीज है जिनके पास ऑफिशियली कोई मिलिट्री नहीं है, जैसे कि वेटिकन सिटी, पलाऊ, एंडोरा, डोमिनिका, ये इनमें से कुछ कंट्रीज के नाम है। ये सुन के अजीब लगता है कि ऐसे भी देश है इस दुनिया में जहाँ कोई मिलिट्री नहीं होती है और ना ही यहाँ पर कभी लड़ाई होती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के फ्लैग में मौजूद अशोक चक्र में कुल कितने स्पोक्स हैं? शायद आप में से बहुत लोगों को इसका उत्तर पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन 24 स्पोक्स में से हर एक स्पोक का क्या मतलब है? शायद आप ये नहीं जानते होंगे। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, अशोक चक्र के हर एक स्पोक का एक अलग मतलब होता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना की। आप चाइना को तो अच्छे से जानते ही होंगे। 138 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग हर छोटा बड़ा जानवर, जी हाँ हर तरह का जानवर इनके मुंह का निवाला बन चुका है। चाइना के लोगों के लिए हर वो चीज़ खाने लायक है जो चल रहा है, उड़ रहा है या फिर तैर रहा है। तो चाइना के इन्हीं अजीबोगरीब डिशेज में से मैं आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आपका गुस्सा भी चाइना के ऊपर और बढ़ जाएगा। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये कौन से डिश के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जिस ऑर्गन का इस्तेमाल करके अभी ये सोच रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, यानी कि दिमाग। लेकिन चाइनीज लोगों के लिए ब्रेन का टेस्ट थोड़ा हटके होता है। यहाँ पर जो दिमाग खाया जाता है वो इंसान का नहीं बल्कि बंदरों का होता है। मंकी ब्रेन चाइना के सबसे मशहूर डिश में से एक है। इसे सिर्फ यहाँ के अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। मंकी ब्रेन को सर्व करने का अंदाज भी अनोखा होता है। वेटर एक टेबल के नीचे एक बंदर को जिंदा रखता है जिसका सिर टेबल में हुए एक छेद में से बाहर निकला हुआ होता है। इसके बाद बंदर के दिमाग को जिंदा ही खाया जाता है। उस समय बंदर को कितनी तकलीफ हो रही होती है उस दर्द को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी अमीरी दिखाने के लिए इतनी क्रूरता चाइना जैसा देश ही कर सकता है।
कभी कभी लगता है कि चाइना के पापों की सजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।